दोस्तों, क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे क्रेड ऐप हो गया, मोबीक्विक हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजोन पे हो गया, इस तरह के एप्लीकेशंस का यूज करते हैं क्या? अगर करते हैं तो 1 जुलाई 2024 से आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि आरबीआई का एक नया मैंडेट आया है, उसकी वजह से ये चेंज होने जा रहा है और उस चेंज को ऑनबोर्ड करने में भी कुछ टाइम लगने वाला है ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनीज को, और उस वजह से आप ये पेमेंट जो है वो टेम्परेरी रूप से मतलब शायद कुछ महीने तक नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं इस पूरे मसले को डिटेल में समझाने वाला कि क्या रीजन है, किस वजह से इस तरह का चेंज लाया गया है, इससे क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है, और कई सारे जो पेमेंट मेथड जिसके थ्रू हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं और उस पर अच्छा खासा कैशबैक भी लेते हैं, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है इस चेंज का, उसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। बट उस पर जाने से पहले दोस्तों, अगर आपके पास टेलीग्राम का एप्लीकेशन है या फिर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो स्पेंड वाइज का व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, अपडेट्स होती है, क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स होते हैं, वो सारे बहुत क्विकली वहां पर आपको मिल जाएंगे। इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आखिर में पूरा वाकया क्या है। दोस्तों, आरबीआई ने एक मैंडेट जारी किया है कि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो किसी और बैंक या क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स के क्रेडिट कार्ड के जो बिल पेमेंट्स हैं उनको लेके और उसको जमा करने की फैसिलिटी देते हैं, उन सबको अपने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट जो है वो NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसका एक प्लेटफॉर्म है भारत बिल पे सर्विसेज, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको रूट करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको BPPS की सर्विसेज या साइट पर जाकर ही पेमेंट करना है, थर्ड पार्टी ऐप पर भी BPPS की जो सर्विस है वो काम करती है। क्रेड भी जो है, क्रेड का जो ऐप है जो सबसे पॉपुलर है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए, वो भी BBPS पर एक्टिव है। तो मतलब होता क्या है कि आप क्रेड के ऐप पर जाते हैं, वहां पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं या पहले से सेव करके रखते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जो है क्रेड ऐप से BBPS की जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाता है, और उस प्लेटफॉर्म से रूट होकर आपका जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक है उसके पास जाता है। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इंडिया में अभी 34 क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स बैंक हैं, मतलब 34 बैंक जो क्रेडिट कार्ड को इश्यू करते हैं उसमें से सिर्फ 8 ही ऐसे बैंक है जो भारत बिल पेमेंट सर्विसेज के थ्रू पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। और उस वजह से यह हो गया कि दोस्तों, अगर इन 8 बैंक्स के क्रेडिट कार्ड आपके पास हैं तो आप क्रेड है, मोबीक्विक या जिस भी तरीके से आप पेमेंट अभी तक करते थे वो कर पाएंगे। बट अगर बाकी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स हैं तो इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे 1 जुलाई से, अगर ये जो डेडलाइन है RBI की वो एक्सटेंड नहीं होती है तो। बट ज्यादा प्रॉब्लम की बात दोस्तों ये है कि जितने भी बड़े क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स हैं, इंडिया का जो सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है HDFC बैंक, वो भी अभी BBPS पर एक्टिवेट नहीं है, ICICI बैंक भी नहीं है, एक्सिस बैंक भी नहीं है, मतलब 4 जो बड़े क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स है उसमें सिर्फ SBI वो ही BBPS पर एक्टिव है, बाकी तीनों BBPS पर एक्टिव नहीं है। और इस रीजन से ज्यादातर क्रेडिट कार्ड यूजर जो है वो 1 जुलाई से क्रेड ऐप को यूज करके या मोबीक्विक को यूज करके या अमेजोन पे को यूज करके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब उसमें पहला सवाल उठता है कि जो क्रेड ऐप को यूज करते हैं उस ऐप का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप सारी जो डिटेल्स अपने क्रेडिट कार्ड की उसमें सेव करते हैं और अपने ईमेल का जो एक्सेस देते हैं उससे आपको टाइमली रिमाइंडर आ जाते हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट आ गया तो उसमें कुछ गलत चार्जेस तो नहीं लगाए गए, उनको ये ऐप जो वो हाईलाइट करके बताता है, आपकी जो डेडलाइन है पेमेंट की उसके लिए आपको रिमाइंडर देता है। इस पूरी सर्विस में मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आने वाला है, 1 जुलाई को क्रेड ऐप के थ्रू ये सर्विस आपको मिलती रहेगी, क्योंकि इस सर्विस के लिए उनको कोई पेमेंट का रूट जो है उसको यूज नहीं करना होता है, सिर्फ आपका ईमेल का एक्सेस करना होता है, उसको देखना होता है, स्टेटमेंट को देखना होता है, उसके हिसाब से चार्जेस को हाईलाइट करता है, रिमाइंडर देता है, वो सारे रिमाइंडर देना, चार्जेस को हाईलाइट करना, जो ट्रांजेक्शन को समराइज करके बताना, वो सारी सर्विसेज तो वो दे पाएगा। बट जो बिल पेमेंट आप करते हैं क्रेड ऐप के थ्रू जाके वो आप क्रेड ऐप के थ्रू नहीं कर पाएंगे, अगर आप बाकी जो 26 बैंक है उनके क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर रहे हैं। 8 बैंक जो है वो जो BBPS पर लाइव है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक आता है, फेडरल बैंक आता है, इंडसइंड बैंक आता है, SBI आता है, इनके अगर क्रेडिट कार्ड से तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू भी पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। एक जो बहुत बड़ा और बेनिफिशियल सर्विस है क्रेडिट कार्ड को बिल पेमेंट करने का वो है HDFC बैंक का बिल पेमेंट ऑप्शन। अगर आपके पास HDFC बैंक का प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, अगर वो ऑप्शन है तो क्या उसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड्स को? तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों वो ये है कि जो HDFC बैंक है वो BBPS पर लाइव नहीं है, तो जिस तरह से वो अपने खुद के क्रेडिट कार्ड के लिए BBPS के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, मेरे हिसाब से उसका जो बिल पेमेंट सर्विस है वो भी BBPS के थ्रू नहीं है।
अगर वो बीबीपीएस के थ्रू है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेमेंट कर पाएंगे 1 जुलाई के बाद भी थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड्स को अपने प्लैटिनम जो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड को उसको यूज करके। अगर एचडीएफसी बैंक की जो सर्विस है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट लेने की वो बीबीपीएस पर नहीं है तो एचडीएफसी बैंक की सर्विसेज के थ्रू भी आप थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड जो है उन पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे और उस पर जो आपको 1% का रियल कैशबैक मिलता है आपको 750 रुपीज पर मंथ वो भी कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाएगा। अब दूसरा सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या ये परमानेंट इशू है, ये परमानेंट इशू नहीं है। जितने भी बैंक्स हैं मतलब एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया और भी जितने भी बैंक्स हैं वो सारे धीरे धीरे बीबीपीएस पर लाइव होने वाले हैं। एक न्यूज में ये भी कहा गया कि एनपीसीआई के जो सीनियर ऑफिशियल है वो इन सारे बैंक के ऑफिशियल्स के साथ टच में है उनको ऑनबोर्ड करने के लिए बीबीपीएस की सर्विसेज के ऊपर। ऑनबोर्ड होने में हालांकि 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है बट एक बार ऑनबोर्ड हो गया तो इसके बाद सारी सर्विसेज जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। क्रेड ऐप के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू आप इन सारे पेमेंट्स को कर पाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड इश्यूअर को। और एक और दूसरी बात दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है आजकल बहुत ज्यादा केसेस में जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मतलब मोबीक्विक हो गया जो बहुत ही पॉपुलर ऐप है, क्रेड हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजोन पे हो गया इस या फोन पे भी हो गया, इस तरह की सर्विसेज के थ्रू ही लोग पेमेंट करते हैं। तो चांसेस ये भी है कि जो आरबीआई है इस डेट को एक्सटेंड कर ले क्योंकि ये जितने भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनकी जो इंडस्ट्रियल बॉडी है उन्होंने आरबीआई से रिक्वेस्ट की कि जो 1 जुलाई की डेडलाइन है उसको कम से कम 90 दिन के लिए आगे खिसका दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। अगर वो एक्सटेंशन मिल जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिसरप्शन नहीं आएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। 90 दिन का जो समय है उसको सफिशियंट माना जा रहा है बाकी सारे जो बैंक्स हैं उनको भी बीबीपीएस पर लाइव होने के लिए, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आने वाली। डेडलाइन अगर नहीं एक्सटेंड होती है तो शायद आपको 1.5 से 2 महीने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम आए, उस केस में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं उनको नहीं कर पाएंगे। अब सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि अगर आप ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप नहीं कर पा रहे हैं, डेडलाइन जो आरबीआई की वो एक्सटेंड नहीं होती है, तो उस केस में भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसके नेट बैंकिंग में जाइए, उसके एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर लॉगिन कीजिए और वहां पर हमेशा आपको एक पेमेंट का ऑप्शन नजर आएगा ही, तो वहां से आप जो पेमेंट है वो कर पाएंगे, वहां पर कोई इश्यू ऐसा नहीं आने वाला है, तो वो ऑप्शन आपके लिए रहेगा ही। जैसे इश्यू रिजोल्व हो जाता है ये बाकी जितने भी बैंक है वो बीबीपीएस पर लाइव हो जाते हैं एक बार 1.5 से 2 महीने में, तब तो पहले की तरह वापस सब नॉर्मल हो जाएगा। सो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस पूरे वाक्य के ऊपर, इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो दोस्तों इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस तरह की चीजों के बारे में अवेयर हो। थैंक यू, बाय।